यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नहीं चाहता है कि आप यह वीडियो देखो और इस इशू के बारे में दुनिया को पता चले। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके सामने बड़े बड़े देश घुटने टेक देते हैं, आज वो एक छोटी सी बोतल के सामने घुटने टेक रहा है। ये छोटी सी बोतल इतनी खतरनाक है कि लोग रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और पूरी सिटी ऐसे ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार ये छोटी बोतल यूएसए के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया शहर से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे ये यूएसए के 50 स्टेट्स में से 48 स्टेट्स में फैल गया और अब ये यूएसए के बाद यूके और यूरोप में भी फैल रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के पंजाब से भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये छोटी बोतल आखिर है क्या और कैसे सुपर पावर्स इसके कंट्रोल में होते हुए नजर आ रहे हैं और लोग आखिर इससे बच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी है दुनिया को अपने कंट्रोल में लाने का? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया शहर में आप जैसे ही इंटर करोगे तो एंट्री के साथ ही आपको बहुत तेज बदबू आएगी और ये बदबू पूरे शहर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि शहर का कोई भी कोना इस बदबू से बचा हुआ है। ये बदबू होती है वीड की, सीवेज की, गार्बेज की और कभी कभी तो सड़े हुए मांस की। जैसे जैसे आप शहर में एंटर करते जाओगे आपको डर महसूस होने लगेगा क्योंकि यहाँ के जो शॉप्स होते हैं उसमें आपको कुछ खास चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। सड़कों पे हर तरफ आपको कूड़ा करकट बिखरा हुआ मिलेगा। सड़कों पे हर तरफ आपको ऑरेंज कैप और सिरिंजेस नजर आएंगे। इन सिरिंजेस के अमाउंट का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि आपका हर चौथा पांचवा स्टेप किसी सिरिंज के ऊपर होगा और आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो सड़कों के ऊपर फ्रीज हो चुके हैं या फिर बहुत ही अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं। और ये जितने भी लोग आप देख रहे हो ये सब के सब ड्रग्स के चपेट में हैं और इस ड्रग्स को ये लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रैंक। ये ट्रैंक दो ड्रग्स को मिक्स करने से बनता है, ज़ाइलीन और फेंटाइलीन। फेंटाइलीन एक सिंथेटिक ओपियोइड है, इसका मतलब कि ये एक नशीला पदार्थ है जिसको यूज किया जाता है पेन रिलीफ के लिए। जिस प्रकार से आप पेन किलर खाते हो अपने दर्द को कम करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से फेंटाइलीन का यूज किया जाता है। बस फर्क ये होता है कि फेंटाइलीन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज्यादा नशीला होता है। बहुत ज्यादा नशीला मतलब बहुत ही ज्यादा नशीला। ये हीरोइन से 50 गुना पावरफुल होता है और ये ज़ॉम्बीज बन चुके लोग जो आपको फिलाडेल्फिया शहर में दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मली इनमें से मैक्सिमम लोगों ने इसी फेंटाइलीन का यूज किया है और इनमें से कुछ लोग जिनकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इन्होंने यूज किया है फेंटाइलीन और ज़ाइलाज़ीन का मिक्सचर। ज़ाइलाज़ीन का यूज किया जाता है वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा जब वो एनिमल्स को शांत करना चाहते हैं, उनके मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं। और ये ज़ाइलाज़ीन एनिमल्स पे यूज करने के लिए बनाया गया था, इसे ह्यूमंस के लिए नहीं बनाया गया। अब जो लोकल ड्रग डीलर्स होते हैं वो फेंटाइलीन और ज़ाइलाज़ीन को मिक्स करके लोगों को बेच देते हैं क्योंकि ज़ाइलाज़ीन और फेंटाइलीन का जो मिक्स होता है वो हीरोइन से बहुत ज्यादा सस्ता होता है। सस्ते रेट होने के साथ साथ इसका जो नशा होता है वो 50 गुना ज्यादा होता है और इस कारण से लोग इसे आसानी से खरीद लेते हैं। और इससे भी डरावनी बात यह है कि इसका कोई भी एंटीडोट मौजूद नहीं है, तो जो लोग भी इसको एक बार ले लेते हैं उनको एडिक्शन हो जाता है, वो इसे छोड़ नहीं पाते हैं। अगर वो इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वोमिटिंग होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, फीवर होने लगता है और ब्लरी विजन होने लगता है। और जैसे ही ये वापस से इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो इनके साथ वही होता है जो कि इन लोगों के साथ हो रहा है, ये जिंदा लाश बन जाते हैं, रियल लाइफ ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। धीरे धीरे इसका जो ओवरडोज होता है वो इनके मसल्स को ही खाने लगता है, इनके शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और ये घाव इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि इनकी हड्डी तक नजर आती रहती है। कई बार इनकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको काट कर अलग करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जब लोग जानते हैं कि फेंटाइलीन और ज़ाइलाज़ीन के मिक्सचर से ये सब कुछ होता है तो लोग इसे लेते क्यों हैं? वेल, जो लोग भी हीरोइन और बाकी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनके ड्रग्स में फेंटाइलीन और ज़ाइलाज़ीन मिक्स किया हुआ है। जो लोकल ड्रग डीलर्स होते हैं वो चीप रेट होने के कारण ज़ाइलाज़ीन और फेंटाइलीन को हीरोइन में मिक्स कर देते हैं, फिर वो वापस उस व्यक्ति के पास आता है और वापस से खरीदता है। धीरे धीरे करके जब उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं बचते हैं तो वो डीलर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई चीप अल्टरनेटिव है, तो ड्रग डीलर उसे फेंटाइलीन और ज़ाइलाज़ीन के बारे में बताता है। उसके बाद वो व्यक्ति ज़ाइलाज़ीन और फेंटाइलीन को मिक्स करता है, इंजेक्ट करता है और फिर ज़ॉम्बी बन जाता है। फिलाडेल्फिया में बाकी शहरों से भी लोग ड्रग्स खरीदने के लिए आते हैं और चीप रेट पर ड्रग्स मिलने के कारण यहीं पर बस जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी इस ड्रग्स को लेने के बाद इसके एडिक्ट हो जाते हैं और यहीं पे ज़ॉम्बी बन के रह जाते हैं। ये ड्रग्स करते हैं, सड़कों पे फ्रीज होते हैं और सड़कों पे ही सो जाते हैं। और ऐसा ही एक केस ब्रूक पेडर का है। इस ड्रग्स के कारण इनके पैर सड़ चुके थे और डॉक्टर को इनके पैर को काटना पड़ा, पर ब्रूक फिर भी इस ड्रग्स को लेने से बाहर नहीं निकल पा रही थी और वो बार बार लगातार इस ड्रग्स को इंजेक्ट कर रही थी। और अब धीरे धीरे इनका हाथ भी सड़ चुका है और अब हाथ काटने की भी नौबत आ चुकी है, बट फिर भी वो इस ड्रग्स को नहीं छोड़ पा रहे। अब ये जो ज़ाइलाज़ीन है इसको गवर्नमेंट ने अभी तक इलीगल नहीं किया है, अभी तक गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं किया है और इस कारण से ये जो ज़ाइलाज़ीन
मेडिसिन है ये वेटनरी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कारण आराम से मिल जाता है। तो आसानी से मिलने के कारण, चीप रेट पे मिलने के कारण लोग इसे बहुत ज्यादा संख्या में कंज्यूम कर रहे हैं और यही रीजन है कि यूएसए इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस ज़ाइलाज़ीन का कोई एंटीडोट भी नहीं है और इस कारण से लोगों को सुधारने का भी बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल है। पहले तो ये ज़ाइलाज़ीन सिर्फ फिलाडेल्फिया तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे करके ये यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स में से 48 स्टेट्स में फैल चुका है। ये जो ज़ाइलाज़ीन और फेंटेलिन है ये मेनली चाइना से मेक्सिको के बॉर्डर के थ्रू यूएसए तक आते हैं और ये जो यूएसए मेक्सिको का बॉर्डर है ना, ये यूएसए के लिए एक सरदर्द है। इस अकेले मेक्सिकन बॉर्डर के पास ये क्षमता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में यूएसए के 20% वोट को ये इधर से उधर कर सकता है और ये जो मेक्सिकन बॉर्डर है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है यूएसए में और इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चाइना से ये ड्रग्स मेक्सिको आता है और फिर मेक्सिको से मेक्सिकन बॉर्डर के थ्रू यूएसए पहुंच जाता है। इतने कम समय में इतने तेजी से बढ़ रहे इस खतरे को यूएसए की गवर्नमेंट ने देखा भी, जांचा भी और रोकने की कोशिश भी की। इसी साल बाइडेन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि ज़ाइलाज़ीन और फेंटेलिन यूएसए के लिए सबसे बड़ा खतरनाक ड्रग प्रॉब्लम है और सिर्फ 2022 में 1,07,000 लोगों की डेथ इस ड्रग के कारण हुई थी। और अगर आप यूएसए के पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करो तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और अब ये ज़ाइलाज़ीन यूएसए के बाद यूके में भी स्पॉट हो रहा है। इसी साल मई में यूके में ज़ाइलाज़ीन के ओवरडोज के कारण पहला डेथ रिकॉर्ड हुआ। इसके रिगार्डिंग यूके में जब एक स्टडी कंडक्ट किया गया तो पता चला कि ये ड्रग ऑलरेडी यूके में फैल चुका है बट किसी कारण से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर ये डेथ रिपोर्ट नहीं होता तो यूके के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पता ही नहीं चलता कि यूके में भी ये ड्रग स्प्रेड हो चुका है। यूके के साथ साथ ये यूरोप में भी स्प्रेड हो रहा है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि अब ये इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा है। पंजाब से आए हुए इन वीडियोस को देखिए, क्या ये वीडियोस आपको फिलाडेल्फिया शहर की याद नहीं दिलाते हैं? इंडिया के अंदर 2018 में एक ऐसा ही रैकेट बर्स्ट किया गया था। 2018 में जब मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर छापेमारी की गई थी तो ऐसा ही एक केस सामने आया था जिसमें कि फेंटेलिन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था और ये जो 3 लोग पकड़े गए थे उनमें से 2 इंडियन था और 1 मेक्सिकन था। फेंटेलिन को यहाँ से मैन्युफैक्चर करके मेक्सिको भेजा जाता था और फिर मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू यूएसए भेजा जाता था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यूएसए के अंदर फेंटेलिन चाइना से होते हुए मेक्सिको के थ्रू यूएसए में आता है तो इसके कारण चाइना का जो नाम था वो खराब हो रहा था। अब चाइना को एक अल्टरनेटिव चाहिए था जिसको यूज करके वो अपना काम जारी रख सके। तो चाइना ने सिलेक्ट किया इंडिया को क्योंकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलरेडी बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड हैं और जो मेडिसिन बनाने का एक्सपीरियंस इंडियंस के पास है वो शायद ही किसी और देश के पास है। ऊपर से इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे बनाकर यहाँ पे भी इसको बेचने के लिए ये एक बहुत बेस्ट मार्केट था और इसके कारण इंडिया अंदर से ही कमजोर होता, इंडिया का नाम खराब होता, इसलिए चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप था। चाइना इंडिया में पैसे भेजकर फेंटेलिन वगैरह यहाँ पे बनवा रहा था और यहाँ से फिर श्रीलंका के थ्रू मेक्सिको भेजा जा रहा था। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और चीज ये पता चला कि इंडिया के अंदर से ये जो ड्रग्स हैं वो आईएसआईएस को भी भेजे जा रहे हैं। मेनली ये जो ड्रग्स है इसमें ट्रेडमोल शामिल है। ट्रेडमोल भी सेम फेंटेलिन की जैसे ही काम करता है, बस जो ट्रेडमोल है वो फेंटेलिन से बहुत ज्यादा वीक है। तो ट्रेडमोल का यूज आईएसआईएस के जो आतंकवादी है वो पेन किलर के यूज में करते हैं। जब आईएसआईएस के फाइटर्स घायल हो जाते हैं तो इस ट्रेडमोल का यूज वो करते हैं पेन से रिलीफ के लिए और इंडिया से बहुत ज्यादा अमाउंट में आईएसआईएस को ये जो ट्रेडमोल है वो बेचा जा रहा था। अब इसके पीछे कौन लोग है ये किसी को नहीं पता है। अभी भी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ कुछ लगता है तो इसके ऊपर जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो चाइना बड़े आराम से इंडिया के अंदर फेंटेलिन मैन्युफैक्चर कर पा रहा है और इसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया के अंदर करप्शन है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको घूस देकर आराम से खरीद लिया जाता है और ये जो इलीगल सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग है वो आसानी से करवा दिया जाता है। आसानी से करवाने के बाद इनको यहाँ से श्रीलंका भेजा जाता है और वहाँ से फिर ये मेक्सिको जाता है और मेक्सिको के थ्रू फिर ये यूएसए जाता है और बाकी यूके और यूरोप में भी जाता है। अब ये जो करप्शन है ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, ये जो फेंटेलिन है इसका यूज पंजाब के अंदर भी हो रहा है और इसका अंदाजा आप इन वीडियो से लगा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि फेंटेलिन और ज़ाइलाज़ीन का यूज करने के पीछे जो एक बहुत बड़ा मेन रीजन होता है वो होता है इसका कॉस्ट फैक्टर। आसानी से मिल जाता है और चीप रेट पे मिलता है, इस कारण से लोग इसे यूज करते हैं। और पंजाब के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है, उसके कारण आप समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा मार्केट है फेंटेलिन के लिए। और अगर हमें अपने देश को बचाना है, पंजाब को बचाना है, तो हमारे गवर्नमेंट को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, वरना हमारे देश के अंदर पंजाब वो पहला स्टेट होगा जिसका कि हाल फिलाडेल्फिया के जैसा होगा। और अगर आप बॉर्डर के हिसाब से देखो तो पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और इस कारण से पंजाब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर पंजाब कमज़ोर हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो जाएगा इंडिया को काउंटर करना। सो से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ, ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा है। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और हमारे देश के अंदर जागरूकता फैलाएं।